स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हमें प्रभावशाली कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है. सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ. तो कम्युनिकेशन जो है ये हमारी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. विदाउट कम्युनिकेशन ह्यूमन बींग्स विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम्स टू एनीवन. अगर हमारी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम लोग किसी के साथ भी अपने फीलिंग्स, अपने विचार, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. देयर विल बी नो प्रोग्रेस इन एनीवन्स लाइफ, और इससे किसी की भी ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी. इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स नीड टू डू कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि जो पक्षी हैं और जानवर हैं उन्हें भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. इन बिजनेस आल्सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जो बिजनेस है उसमें भी कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अ कंपनी कैन ग्रो अ लॉट इफ़ देयर इज़ गुड कम्युनिकेशन इन इट. एक कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकती है अगर उसमें अच्छा कम्युनिकेशन होगा. तो द फॉलोइंग रीजन्स विल एक्सप्लेन वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ कंपनी. तो आगे वाले जो रीजन्स हैं ये हमें बताएंगे कि क्यों एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है एक कंपनी में. तो पहला रीज़न है इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप. तो पहला जो इसका रीज़न है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है हमारी मदद करता है एक अच्छे और स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने में. रिलेशनशिप्स कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन बाय पॉजिटिव एनकाउंटर्स विद अदर्स. तो अच्छे रिलेशन हमारे बन सकते हैं और वो लगातार मेंटेन रह सकते हैं अगर हम पॉजिटिव वे में मुलाकात करते रहें दूसरे लोगों के साथ. तो कम्युनिकेशन विल बी की टू दिस प्रोसेस, और कम्युनिकेशन एक ज़रूरी चाबी होती है इस प्रोसेस की. विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन इफेक्टिव रिलेशनशिप्स. लेकिन अगर हमारे अंदर प्रभावशाली कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, हम किसी के साथ अच्छे रिलेशन बना भी नहीं पाएंगे और उनको मेंटेन भी नहीं रख पाएंगे. सेकेंड रीज़न इज फैसिलिटेट्स इनोवेशंस. इनोवेशंस मीन्स नवीनता, नयापन. तो कम्युनिकेशन नवीनता, नएपन को बढ़ावा देती है. व्हेन एम्प्लॉयज़ फील कंफर्टेबल इन ओपनली कम्युनिकेटिंग न्यू आइडियाज़ कॉपरेशन एंड देन इनोवेशन विल बी एट ऑल टाइम हाई. यदि एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करने में, तो उससे क्या होता है कंपनी में एक नयापन आता है और नवीनता अपनी ऊंचाइयों तक पहुँच जाती हैं. In addition, if people are unable to convey their ideas due to limited communication skills, it is likely that new ideas will not be implemented to its full potential. लेकिन इसके विपरीत अगर लोग अपनी बात को सही ढंग से दूसरों को नहीं समझा पाएँ, ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँ, तो इससे जो है कंपनी में नए नए आइडियाज़ निकल के सामने नहीं आ पाते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज बिल्ड्स एंड इफेक्टिव टीम. तो ये कम्युनिकेशन जो है मदद करता है एक प्रभावशाली टीम को बनाने में. इफ़ ओपन कम्युनिकेशन विद इन अ वर्क प्लेस इज एनकरेज्ड, अ मोर परफेक्ट एंड इफेक्टिव टीम विल इमर्ज. अगर एक कंपनी में खुले तौर पे कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे क्या होता है एक प्रभावशाली टीम उभर कर सामने आती है. गुड कम्युनिकेशन विद इन अ टीम आल्सो टेंड्स टू बूस्ट एवरीबॉडीज मोरेल. और अगर अच्छा कम्युनिकेशन एक टीम में होता है तो उससे सभी का जो हौसला है वो बढ़ता है. इन अ कंपनी व्हेन एम्प्लॉयज फील दैट दे आर वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द कंपनीज डायरेक्शन एंड विजन, दे विल फील मोर सिक्योर विद इन देयर रोल. तो एक कंपनी में अगर एम्प्लॉयज को लगता है कि उन्हें बातचीत करने का पूरा मौका दिया जाता है और कंपनी अपने विचार, अपनी डायरेक्शन सही ढंग से दे पाते हैं एम्प्लॉयज को, तो उससे एम्प्लॉयज भी ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग एम्प्लॉयज़. तो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने में भी कम्युनिकेशन बहुत मदद करता है. व्हेन मैनेजर्स आर इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स दे आर मोर एबल टू इन्फॉर्म स्टाफ अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. अगर एक कंपनी के जो मैनेजर हैं वो काफ़ी प्रभावशाली कम्युनिकेशन करने वाले होंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी डेवलप्ड होंगे, तो वो अपनी बात आसानी से अपने स्टाफ तक पहुँचा पाएंगे और स्टाफ को बता पाएंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और आपसे हम क्या क्या उम्मीद रखते हैं. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स
आल्सो हेल्प मैनेजर्स टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू देयर स्टाफ। तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स से जो है मैनेजर जो है अच्छा फीडबैक, अच्छा रिस्पॉन्स अपने स्टाफ से वो ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ कंपनी। तो एक कंपनी की ग्रोथ में भी कम्युनिकेशन बहुत मदद करता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन लीड टू द कोलैप्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की कमी है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढह सकती है, उसका कोलैप्स हो सकता है। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो लीड टू प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प टू अवॉइड अननेसेसरी डिलेज ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो कम्युनिकेशन जो है मदद करता है कंपनी की प्रोडक्शन को बढ़ाने में, और साथ में वो बिना बात के जो डिलेज होते रहते हैं प्रोजेक्ट्स में उनको भी ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। लास्ट पॉइंट इज एनश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। तो पारदर्शिता को भी ये बढ़ावा देता है कम्युनिकेशन। व्हेन रेगुलरली कम्युनिकेटिंग बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशंस रिमेन ट्रांसपेरेंट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सही ढंग से बाहरी और अंदरूनी कम्युनिकेशन होता है तो कंपनी में पारदर्शिता बनी रहती है और उससे कंपनी का कामकाज सभी को पता लगता रहता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन बिल्डिंग ट्रस्ट इन योर ब्रांड एंड इन योर सर्विसेज। और ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो है कंपनी का जो सामान है, कंपनी की जो सर्विसेज हैं उसमें लोगों का विश्वास बढ़ता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।